मंडी जिला में चल रहे विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की विपाशा सदन मंडी से समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विकासात्मक परियोजनाओं को तय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि परियोजना लागत न बढ़े तथा लोगों को विकास योजनाओं का लाभ समय रहते मिल सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला में 4,000 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति हिमाचल प्रदेश, राज्य विद्युत बोर्ड, पर्यटन और अन्य विभागों के अंतर्गत कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मंडी शहर में 200 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं, जिसमें एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त 41 करोड़ रुपए की सौंदर्यीकरण परियोजनाएं, 83 करोड़ रुपए की पेयजल योजना, 69 करोड़ रुपए की मल निकासी योजना, 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली सड़कें, भवन व पुल और 25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विक्टोरिया पुल का लोकार्पण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला के लिए लोक निर्माण विभाग के 1,202 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से निर्मित होने वाली 137 परियोजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 344 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 77 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि 54 पेयजल, सिंचाई, मल निकासी और बाढ़ से बचाव की परियोजनाओं के कार्य जिले में जल शक्ति विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें 1,535 करोड़ रुपए का कुल निवेश होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में की गई किसी भी लापरवाही का कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं जिन पर कार्य समाप्ति पर हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे उनका निर्माण कार्य तय सीमा के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने विकास की गति को विपरीत रूप से प्रभावित किया है, इसलिए परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को उनके विभागों को दिए गए धन का तय समय सीमा के भीतर उपयोग करने के निर्देश दिए तथा कहा कि इस विषय में की गई किसी भी लापरवाही का कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने विभागों को प्रदान किए गए धन का समुचित उपयोग तथा शेष बचे हुए धन का प्रयोग करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में मानसून का मौसम आने वाला है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को वर्षा से हुए नुकसान को कम करने के लिए समुचित एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 5.61 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली और निर्मित हुई परियोजनाओं, जिसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत 2.40 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले जिला पंचायत स्रोत केंद्र का लोकार्पण, कोषागार कार्यालय से स्कोड़ी पुल के बीच 2.71 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बाईपास सड़क की आधारशिला तथा नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ट्रैकर्स हट की भी आधारशिला रखी। इससे पूर्व पार्टी अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है तथा इसके संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन फिर भी ये इसलिए आवश्यक है, एक मैकेनिज्म हमारे पास मॉनिटर करने का तो होगा कि कौन आया, कब आया, कहां से आया, कहां गया। अगर इस मैकेनिज्म को हम ना करें तो ऐसी परिस्थिति में न आने वाले का पता रहेगा हमारे पास, न जाने वाले का पता रहेगा, कम्युनिटी स्प्रेड होने का बहुत बड़ा काम। इसलिए हमने मिनिस्टर होम अफेयर से फिर से निवेदन किया है कि हमको इन गाइडलाइन के मुताबिक अपने प्रदेश की व्यवस्थाओं को संचालित करने की इजाजत दी है। तो मैं समझता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। पहले 3 महीने के लिए उन्हें राशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देने के लिए एक व्यवस्था की थी, जिसके कारण 80 करोड़ देश की जनता को वो लाभ मिला और उसके हिमाचल प्रदेश को भी बहुत बड़ा लाभ मिला। 5 किलो चावल नहीं तो आटा, दाल, ये सारी चीजें 10 किलो आटा या चावल उस व्यवस्था के साथ हुई। और अभी हाल ही में मुझे विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बात पर आभार व्यक्त करना है, जो अभी उन्हें घोषणा अभी तो राष्ट्र के नाम संदेश दिया और संदेश देती बात उन्होंने एक बार का जिक्र किया कि जो हमारे 80 करोड़
लोग इस राष्ट्र के कारण जो है लाभान्वित हुए हैं उनको आगे नवंबर के महीने तक जो है 5 किलो चावल या 5 किलो आटा और उसके साथ चने की दाल, ये सारी व्यवस्था जो है जारी रहेगी। 90,000 करोड़ रूपये खर्च की जाएगी। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इस योजना के अंतर्गत 1,50,000 करोड़ रूपये का सहयोग गरीब लोगों के लिए दिया। ऐसे संकट के क्षण में जब कोरोना वायरस का इस प्रकार से पूरे देश में एक अलग से परिस्थिति हुई है और ऐसे संकट के क्षण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदमी भूखा ना सोए, कोई भी आदमी इस संकट के क्षण में भूखा ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमारा अनलॉक फेज 2 है, उसमें हमने वही व्यवस्थाएं लगभग कायम रखी हैं जो अनलॉक फेज 1 में थी। सिर्फ कर्फ्यू के टाइम की ड्यूरेशन में थोड़ा सा फर्क किया है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे इस पर हमने शुरू कर दी है, हिमाचल प्रदेश में यथावत जारी रहेगी और पहले उसमें 60% ऑक्यूपेंसी के साथ ट्रैवल करने की इजाजत थी, हमने उन 60% को छोड़ करके सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए और उसके साथ स्टैंडिंग उसमें अलाउ नहीं होगी, खड़े होकर के जो है ट्रैवलिंग उसमें अलाउ नहीं होगी, इस बात को रखा है। और उसके साथ साथ में जितने भी हमारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जितने भी हमारी दुकानें हैं, रेड़ी पड़ी सब चाय की दुकान ढाबा सबको खोलने की इजाजत दे दी है।